असमान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं यह हम सीखेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न है असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। हम देख रहे हैं कि हमारे पास है 1/3 धन 2/5, दोनों के हर जो हैं अलग अलग हैं, असमान हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 5। तो जहां भी हमें भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो, अगर भिन्नों के हर अलग अलग हैं, असमान हैं, तो उसे हम जोड़ नहीं सकते तब तक जब तक कि हम उनके हर को समान न कर लें। और उसे समान कैसे करेंगे, तो उसे समान करने के लिए हमें इन दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्न निकालने होंगे। तुल्य भिन्न, तो चलिए हम दोनों के कुछ तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 1/3 के तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1/3 में अंश और हर में हम समान अंक का गुणा करते चलते हैं। तो यह हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। अब चलिए 1/3 में हम 3 का गुणा कर लें, तो यह हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 3 = 9। फिर 1/3 में हम 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 4 और 4 × 3 = 12। 1/3 में हम 5 का गुणा कर लें, तो क्या हुआ, 5 × 5 और 5 × 3 = 15। तो हमें 1/3 के कुछ तुल्य भिन्न मिल गए। अब 1/3 का हमने निकाल लिया, अब 2/5 के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2/5 के तुल्य भिन्न। ठीक है, तो 2/5 के तुल्य भिन्न निकालने के लिए भी हम यही तरीका अपनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, 2/5 गुणा अंश और हर में पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। फिर 2/5 में हम 3 का गुणा कर लें अंश और हर में, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फिर 2/5 में हम 4 का गुणा कर लें अंश और हर में, तो 4 × 8 और 4 × 5 = 20। फिर 2/5 में हम अंश और हर में 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 10 और 5 × 5 = 25। यह हमने दोनों के तुल्य भिन्न ज्ञात कर ली। अब इन दोनों में से हम ऐसे तुल्य भिन्न को छांटेंगे, अलग करेंगे, जिनके हर बराबर हो। क्योंकि हम बिना हर को बराबर किए भिन्नों को ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि दोनों भिन्नों के कौन से तुल्य भिन्न जिनके हर बराबर हो। तो 6 इधर भी नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं, 15। ये देखिए हमारे पास यहां मिले 5/15 और यहां है 6/15। तो हमें वह तुल्य भिन्न मिल गया जिसके हर क्या है, समान। अब हम इन्हीं समान हर वाली जो भिन्न है उसी के साथ जोड़ की क्रिया करेंगे। तो ठीक है, हल करते हैं 1/3 × 2/5। तो चलिए देखते हैं 1/3 के जो तुल्य भिन्न है वह है 5/15 और धन 2/5 के जो समान हर वाले भिन्न है वह है 6/15। तो अब क्या करें हम, क्योंकि दोनों के हर अब बराबर हो गए, तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं 15 को। और अब क्या करेंगे, अंश और अंश को
जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 6 जोड़ लीजिए, क्या हुआ 5 और 6 11/15, मतलब 1/3 और 2/5 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 11/15। तो ऐसे सवाल जहां भिन्नों के हर अलग अलग हो तो उन सवालों को हम भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि उनके भिन्न हर जो है बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही उन्हें घटा सकते हैं। तो पहला हम काम करेंगे उनके हर बराबर करें। अब हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करने होंगे। जैसे हमने किया 1/3 के हमने कुछ तुल्य भिन्न निकाले और 2/5 के तुल्य भिन्न। अब उन तुल्य भिन्नों में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से भिन्न हैं जिनके हर बराबर हैं। तो हमें मिला 5/15 और यहाँ 6/15, अर्थात इन दोनों के जो हर हैं वो दोनों बराबर हैं और उन्हीं भिन्नों तुल्य भिन्नों के साथ हमें जोड़ की क्रिया करनी है। और हमने जोड़ लिया, जब हर बराबर हो जाते हैं तो उन्हें हम एक बार लिखते हैं और केवल अंश और अंश को जोड़ लेते हैं। तो हमने 5 और 6 को जोड़ा तो 5 और 6 11/15। तो इस तरह भी आप असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ सकते हैं।